The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar! Dosto, ghar baithe agar aap bore ho rahe hain aur bahut zyada news dekh rahe hain, chinta kar rahe hain, stress kar rahe hain, to humne already bata rakha hai ek video mein ki stress कैसे आपकी इम्यून सिस्टम की ऐसी तैसी कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है आपको इस लड़ाई में जो आप करेंगे इस तरीके के फ्लू या एक खतरनाक कोरोना वायरस से. सो कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है. वो आज हम प्रूफ और उसका साइंटिफिक बेसिक, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको समझाएंगे. दोस्तों, अगर आपको कफ है, खांसी है, कोल्ड है, आप कमज़ोर फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, तो यू विल फील बेटर. यू विल डेफिनेटली, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अगर आप रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ी बहुत वॉक करो. डजंट मैटर बहुत ज्यादा देर के लिए, 10 मिनट 20 मिनट भी चलेगा, बट डू समथिंग. सिंपल एक्सरसाइज रूटीन अगर रोज नहीं तो हफ्ते में कुछ बार भी चलेगा. नाउ व्हाट, हाउ डज दैट हेल्प, कैसे मदद होती है, समझते हैं. एक्सरसाइज से नंबर वन, एक तो आपकी दूसरी बीमारी, को एग्जिस्टिंग बीमारियां, हड्डियों की, हार्ट की, इन्फेक्शन की और दूसरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ये सबको पता है, एक्सरसाइज से आप हेल्दी रहते हो. बट हमको ये जरूर पता है कि एक्सरसाइज आपकी, आपके सेवरल तरीके से, बहुत सारे तरीके से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. नंबर वन तरीका जो बताया गया है, जो आपके इस बार काम आएगा, आपके लंग्स और एयरवे से. जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप फोर्सफुली ब्रीथ करते हो, और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी मे हेल्प फ्लश द बैक्टीरिया वायरस आउट ऑफ द लंग्स, लिटरली फ्लश देम आउट ऑफ द लंग्स. बैक्टीरिया पे ज्यादा, वायरसेस पे कम, लेकिन बैक्टीरिया पे बहुत काम करता है. सो इससे आपका लिटरली कोल्ड, फ्लू और दूसरी इलनेसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं एक्सरसाइज अकेले से. सो दिस इज वन बिग रीजन. एक्सरसाइज से आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज, WBCs, जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो बेटर और ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, उनकी प्रोडक्शन का रेट बढ़ता है. एंटीबॉडीज, WBCs सर्क्यूलेट ज्यादा तेजी से होते हैं. ब्लड प्रेशर प्रॉपर मेंटेन होने के लिए, उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ाते हो फिर कम होता है, तो उसकी मेंटेनेंस बेटर होती है, राइट. और जब वो सर्कुलेट भी ज्यादा जल्दी होंगे तो वो बीमारी को भी जल्दी पकड़ेंगे, तो जल्दी बीमारी पकड़ी जाती है और अल्टीमेटली प्रिवेंट हो पाता है सीवियर इन्फेक्शंस, नंबर एक. और जब एक्सरसाइज करते हैं तब आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है, सबको पता है, गर्म हो जाती है बॉडी, धड़कन बढ़ जाती है. इससे भी द ब्रीफ राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, राइट आफ्टर एक्सरसाइज ऑल्सो कैन प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग. यस, इवन दैट कैन डू दैट, या. And the temperature rise can also help the body fight the infection better. जो temperature बढ़ जाता है आपके अंदर, body temperature after exercise, वो इस लड़ाई में immune system के आपकी मदद करता है, bacteria virus की growth की speed कम करता है और उसको मारने में भी मदद करता है. बिल्कुल बुखार की तरह, बुखार जब होता है, fever जब होता है, वो आपकी body का response है. body गर्म करने से bacteria viruses मर जाते हैं और उसको हमें मॉनिटर करना होता है. आपके बॉडी में एक थर्मोस्टैट होता है जो उसे मॉनिटर करता है. कभी कभी वो आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है, कभी कभी आपको बिल्कुल जैसे गैस पे जो स्टोव है उसकी जो आँच है उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ज़्यादा आँच हो जाए तो खाना जल जाएगा, कम हो तो पकेगा नहीं. बिल्कुल वैसे आपकी बॉडी के अंदर जो फीवर आता है वो आपकी मदद के लिए आता है, लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरसेस डायरेक्ट फीवर को मॉड्यूलेट करने वाले टी लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट कर सकते हैं और आपकी बॉडी को कन्फ्यूज करके बहुत ही ज़्यादा फीवर पैदा कर सकते हैं, साइटोकॉन स्टॉर्म्स कर सकते हैं और इतना डैमेज कर सकते हैं जिससे आपके लिटरली बॉडी में परमानेंट डैमेज, ब्रेन डैमेज हो सकते हैं. इसलिए फीवर नीड्स टू बी managed, does not needs to be killed. Alright, and it needs to be investigated. Fever को आता है तो उसका सोचना जरूरी है कि क्या हो सकता है और जांच करनी चाहिए, monitor करना चाहिए. That is more important. Fever वाला video please देख लीजिएगा, Fever by Dr.Education. That is there. Plus चौथा और बहुत बड़ा काम करता है, exercise reduces your stress hormone, cortisol. जी हाँ, exercise आपका stress, आपके stress hormones, आपकी नींद better करेगा, आपकी भूख better करेगा और stress hormone कम होता है तो आपके बहुत बहुत आपके इलनेस से प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है. स्ट्रेस हार्मोन कैसे करता है वो, स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम का क्या एक्शन है वो ऑलरेडी हमने अलग वीडियो में समझाया है.
सो एक्सरसाइज इज एब्सोल्युटली गुड फॉर यू, कोई भी इसमें नकार नहीं सकता, बट यू शुड नॉट ओवर डू इट. ओवर एक्सरसाइज भी हार्मफुल है जो कि आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती है. ऑलरेडी एक्सरसाइज अगर आप कर चुके हो तो दिन में 2 बार 3 बार 4 4 8 8 घंटे एक्सरसाइज ना करें, बहुत विग्रस एक्सरसाइज ना करें. एक रेगुलर एक्सरसाइज, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज इज द बेस्ट, मॉडरेट इंटेंसिटी इज द बेस्ट. सिवियर एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी डन अकॉर्डिंग टू द आपकी क्षमता. जितनी आपकी क्षमता उतनी आप चादर फैला सकते हैं, दैट यू नीड टू डिसाइड एंड यू कैन डिस्कस दैट विथ योर डॉक्टर. राइट, सो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं लेकिन रेगुलर एटलीस्ट 3-4-5 दिन हफ्ते में रोज रेगुलर एक्सरसाइज करनी. और हैवी लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज जैसे मैराथन रनिंग, इंटेंस जिम ट्रेनिंग, वो हार्म भी कर सकती हैं, लिटरली मसल डैमेज कर सकती है. रैब्डोमायोलाइसिस वाला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लेना हमारा, वो भी बहुत डेंजरस चीज़ है. एंड एक्सरसाइज इज वेरी गुड. स्टडीज ये तक बताती है कि मॉडरेट एनर्जेटिक लाइफस्टाइल एक्सरसाइजेस बेनिफिट करती है ना सिर्फ आपको एजिंग में, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, बहुत सारे हर इटली लिटरली हर एक सिस्टम में बेनिफिट होता है. लिवर, किडनी, लंग्स, एनीथिंग राइट. उसमें कोई भी रेगुलर बाइसिकल कर लो, छोटे बच्चे से बड़े तक डेली वॉक कर लो 20 से 30 मिनट के लिए, रेगुलर वॉक्स कर लो, जिम जा लो एवरी अदर डे या रोज, गोल्फ खेल लो, क्रिकेट खेल लो, वट एवर यू वॉन्ट, प्ले एनी स्पोर्ट्स बट डू एक्सरसाइज. मेक श्योर राइट यू विल यू डू दिस एंड देन यू विल डेफिनेटली फील बेटर. आपको बेटर भी फील होगा, आपको एनर्जेटिक भी फील होगा, आपको अपने आप पे लिटरली अच्छा भी लगेगा. जितने दिन अभी घर पे हो इसको इस्तेमाल करो, नहीं भी हो आगे चल के जिंदगी में इस्तेमाल करते रहना, यू विल हैव द बेनिफिट. सो गो अहेड, टेक दैट एरोबिक्स ऑनलाइन क्लास ले लो उसकी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए हैं. तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज. ओके, बस दैट्स ऑल. इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, करते रहनी है, साथ में अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, उल्टी सीधे बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू से दूर रहना है. ऑलरेडी हमने 25 बार बता रखा है. प्लीज गो एंड वॉच ऑल द इम्यून सिस्टम, ऑल द एक्सरसाइज वीडियोज इफ यू वॉन्ट मोर नॉलेज. दिस इज डॉक्टर परमजीत साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. प्लीज मेक श्योर टू शेयर ऑल द वीडियोज एंड लाइक दम. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.